आओ फिर से मुस्कराए और मिल के गुनगुनाए, है गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कराए मॉर्निंग विद फरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद एटीवी मॉर्निंग में। होप एंड विश आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस फॉर द डे। हाउज टी बाय द वे? टी इज़ फैंटास्टिक। सो आज का दिन जो है उस फैंटास्टिक टी के नाम जो कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को पिलाई थी। आपको याद है आज 27 फरवरी है और आज का दिन, जबकि एक दिन पहले कल 26 को की थी फरवरी को इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे वो कह रहे थे कि हमने तो पता नहीं यहाँ पर क्या वो जो है, जिसे जो इनकी आदत है कि छुप कर बग़ैर बताए बग़ैर वार्न किए अटैक करना, और वो जो है जब इसको जवाब दिया गया, हमने बताया था कि वी विल नाउ अटैक एंड वी विल फाइट बैक और हम अपने उसके ऊपर इसको रिटेलिएट करेंगे। एंड 27 फरवरी आज का दिन जब पाकिस्तान ने 6 जो मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट को लॉक करके अपनी कैपेबिलिटी जो है उसको शो कर दिया था, लेकिन अटैक नहीं किया, लेकिन जब रिटेलिएट किया गया इंडिया की तरफ से, तो फिर वो जो एक कॉम्बैट हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिसके नतीजे में अभिनंदन हमारा मेहमान हुआ और हमने उसे एक ज़बरदस्ती चाय पिलाई। सो आज का दिन उस ज़बरदस्ती चाय के नाम। ये वो चाय है जिसको पीने का ख्वाब जो है इंडिया काफ़ी अरसे से देख रहा है। 1965 की जंग में भी हमें यही पता चलता है कि उन्होंने कहा कि ये साथ ही तो इंडिया जिम खाना है, आज शाम की चाय हम लाहौर जिम खाना में पियेंगे। और फिर वो जो कुछ मीलों का फासला था, हमारे पाक फ़ौज के जवानों ने उन उस चंद मीलों के फासले को उनके लिए जैसे ना उम्र भर के फासले के बराबर कर दिया। सेम हैपन्ड ऑन 27 फरवरी, जिसमें कि हमें पता चला कि हमारी जो फ़ौज है और हमारे जो नौजवान हैं और हमारा जो अर्ज़ पाक है, इसकी हिफाजत के लिए हमारी अफवाज कमर बस्ताएँ। बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो एक रिश्ता है बहुत खूबसूरत, जिसमें कि हम अपने उन नौजवानों से जो बड़े मुश्किल हालात में अगले मोर्चों पर मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस में, कभी आप सियाचिन जाएं और आपको इत्तफाक हो उस सर्दी का और उस सारी सूरत हाल का कि किस तरह से उसमें रहते हैं, किस तरह से उसमें लड़ते हैं, कभी अंदाज़ा हो किसी अगले मोर्चे में बैठे हुए किसी जवान और किसी सिपाही से मिलने का और उसके साथ एक दिन गुजारने का, तो अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल और कितनी कठिन है। सो आज का दिन हम ये कम अज़ कम ज़रूर रिजॉल्व करें कि हम अपने, एक तो जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उसे भरपूर तरीके से अदा करेंगे, ताकि जब हमें चाय पिलाने की नौबत पड़े तो हमारी चाय भी बिल्कुल तैयार हो और हम उसे बेहतरीन सर्व कर सकें। और जो लोग ये काम कर रहे हैं अच्छी तरह से अपनी अपनी जगह पर रहते हुए, उन तमाम लोगों को भी हम एक्नॉलेज करें और उनकी तारीफ़ करें। सो आज का दिन उन तमाम हमारे हिफाजत पे मुस्तैद कमरबस्ता नौजवानों के नाम, भले वो हमारे शाहीन हैं, भले वो हमारे बहरिया के नौजवान हैं, भले हमारी पाक फौज के नौजवान हैं, बिकॉज टी इज़ फैंटास्टिक। और ये जो फैंटास्टिक चाय मैं और आप इन्जॉय कर रहे हैं ना, हैट्स ऑफ टू ऑल दोज कि जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन होता है। उसमें मेरे मुल्क के किसान भी हैं, उसमें मेरे मुल्क के मज़दूर भी हैं, उसमें मेरे मुल्क के उस्ताद भी हैं, उसमें मेरे मुल्क के स्टूडेंट्स भी हैं, आप जैसे लोग भी हैं जो अपने घरों में बहुत सारे ऐसे नए लोगों को, ऐसे लोगों की नर्चरिंग कर रहे होते हैं, उनकी तालीम और तरबियत कर रहे होते हैं। सो आइए मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा दुश्मन से, हमेशा उसकी जारहियत से, उसके बुरे इरादों से और अजाइम से, और हर उस शख्स से जिसकी नीयत और इरादा इस मुल्क के बारे में ठीक नहीं है, महफूज रखेगा। आमीन। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस शो, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। और मिल के गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियां।